चिराग पंचल जी ने मैसेज किया है, इज़ इट वर्थ इट टू टेक 25 और 30 लाइक एजुकेशन लोन एंड मूव टू ऑस्ट्रेलिया। आज का वेदर चेक कर लो, रात को इतना तूफान आया था और अब देख लो एकदम से शांति, धूप निकली हुई है, सूर्य देवता ये अच्छे से चमक रहे हैं। ये सामने का मेरे घर के सामने जो है, हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। थक जाते हैं काम करते करते। ऑस्ट्रेलिया में पैसा इतना है, आपको पैसे गिनने का टाइम नहीं मिल सकता अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, मेहनती पर्सन हो। एक क्वेश्चन आपने पूछा, मैंने कहा चलो बता दूं, क्योंकि बंदा यही सोचता है यार अगर हमारे पास इंडिया में इतना पैसा है तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर करना क्या, हमारा मेन मोटिव है क्या ऑस्ट्रेलिया आने का। मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर, शायद किसी ने वो वीडियो ना देखी हो। हम ऑस्ट्रेलिया आना क्यों चाहते हैं? कमेंट आपने पढ़ लिया कि 25 से 30 लाख का एजुकेशन लोन ले लें तो क्या ऑस्ट्रेलिया आना सही रहेगा। देखो 25 से 30 लाख मैं मान के चलता हूँ, $10,000 हमारा बनता है 5 लाख, ठीक है, $50,000 बनता है 25 लाख, $60,000 बनता है 30 लाख। मतलब $60,000 अगर खर्च करें तो क्या हम एजुकेशन लोन लेकर ऑस्ट्रेलिया आना सही रहेगा या नहीं, हम अपनी फ़ीस पूरी कर पाएंगे या नहीं। ये ना हो कि पैसे लगा लें और बाद में यहाँ पर आकर भी हमारे को वो तसल्ली ना हो और हमारे पैसे भी ख़राब हो जाएं। यही आता ना आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको। सबसे पहले बात, जून 2023 तक अभी तक सरकार ने फुल वर्किंग राइट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स को, मतलब अंधाधुंध पैसा आप कमा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, जितने मर्जी घंटे काम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप $25 के हिसाब से काम करते हो एक दिन में, तो 10 घंटे अगर आप काम कर देते हो, क्योंकि स्टूडेंट लोग जो हैं वो 10 घंटे आराम से खींच देते हैं मीटर, और ऊबर ईट्स करोगे उसके पैसे अलग, मतलब जितना आप काम कर सकते हो उतना करो, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं 10 घंटे लगा के चलता हूँ दिन के, 10 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 250 बनते हैं, एक दिन में आपके 250 बन गए। सातों दिन काम किया, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, 200 मान के चलो, 1400 बनता है, 1400, वैसे 250 के हिसाब से ज़्यादा बनता है, पर मैं 200 के हिसाब से ही आपको लगा के चलता हूँ। उसमें से टैक्स वगैरह भी देना होगा आपको, $200 उसका टैक्स लगा लो, $1200 आपके हाथ में आ गए, $1200 एक हफ्ते के आ रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 52 के साथ। ये मैंने आपको मिनिमम बताया, मैक्सिमम कई लोग 12 घंटे भी काम करते हैं, 14 घंटे भी करते हैं, अपना सारा कुछ भूल जाते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एजुकेशन लोन लेके आए उसको उतारने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और 25-30 लाख अगर आप लोन लेके आए हो तो 1000 एक हफ्ते का अगर आप यहाँ पर कमाते हो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4800 हो जाता है, फिर भी 2 या 3 दिन बच जाते हैं, तो $5,000 आप लगा के चलो, अगर आप अंधाधुंध अच्छे से काम करते हो, $5,000 एक महीने का कमा रहे हो, इंडिया का 2.5 लाख। मैं 5,000 छोड़ के मैं मानता हूँ 3,000, और बताओ, मैंने इतना नीचे गिरा दिया, इतना कम कर दिया कि जो पॉसिबिलिटी बनती भी नहीं है वो भी कर दी। 30 लाख लगाने के बाद 1.5 लाख महीना या 2 लाख महीना अगर आप इंडिया में कमा सकते हो तो बोलो मुझे, इसका आंसर होगा नहीं। एक मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, 30 लाख रुपया लोन लेकर, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया अपने बिजनेस से इंडिया में, मुझे नहीं लगता मैं कमा सकता हूँ। तो अब बताओ कि ऑस्ट्रेलिया आना वर्थ है कि नहीं है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हर एक बंदा पैसे कमा सकता है, कम पढ़े लिखे हो तो भी आप पैसे कमा सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, कई बंदे ऐसे आते हैं डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, मेरे पास कई ऐसे आते हैं
तो वो भी पैसा कमाते हैं, उनको भी पूरा वर्किंग राइट है, तो यहाँ पर आना बिल्कुल वर्थ है, मतलब वेस्ट नहीं है, वर्थ है, बिल्कुल सही है डिसीज़न आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट लाइफ एक जीने का मौका मिलेगा, अपने सपने साकार करने का मौका मिलेगा, आईफोन 14 प्रो मैक्स लेने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, अपनी लग्जरी गाड़ी, लग्जरी शूज, लग्जरी गॉगल्स, ग्लासेस लेने का मौका मिलेगा, आप कैपेबल हो जाओगे। क्या आप इंडिया में 10,000 की ले सकते हो गॉगल्स ग्लासेस ले सकते हो? कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, मैं नहीं ले सकता इंडिया में अगर होता तो। क्या आप आईफोन प्रो मैक्स जो 1.5-2 लाख का इंडिया में है ले सकते हो? इतना महंगा फ़ोन नहीं ले सकता, क्योंकि आमदनी नहीं है, हमारी सोच ही नहीं है कि हर कोई बंदा वहाँ पर 1.5-2 लाख थोड़ा कमा रहा है, यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर आप जितना काम करोगे, पता है आपको कि मुझे इतना काम करना है, ऐसे पैसे बनने हैं, दैट्स इट, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मतलब ये तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 25-30 लाख खर्च करने के बाद भी आप अगर ये कहोगे, उसके बाद आपका 25-30 लाख कितनी देर में पूरा हो जाएगा? मैं कहता हूँ 2 साल में पूरा हो जाएगा आपका। 1 लाख रुपया आप पर ईयर के हिसाब से लगाओ, आप बचा रहे हो पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, अपना खर्चा कम करो, ये आपके हाथ में है कितना आपने खर्च करना है कितना नहीं खर्च करना है, पर यहाँ पर A to Z आपका अच्छा ही होगा होपफुली। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, कोई और कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर दीजिए नीचे, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लो। बाय बाय।